जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये भूमिया मंदिर है जो कि हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे वो भूमि से लेके हो, चाहे वो हमसे लेके हो, चाहे वो हमारे पालतू जानवरों से लेके हो, चाहे वो वनस्पति से लेके हो, ये हमारी सदैव रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर मैं जो मक्का लेके आया था, तो हमारे पूर्वजों द्वारा ही यहाँ पर जो एक प्रथा चलाई गई है, हम किसी भी फसल को उगाते हैं, मुख्य तौर पर गेहूँ और मक्का हम फसल उगाते हैं, खुद ग्रहण करने से पहले हम अपने प्रभु के दरबार में वो फसल की पहला जो फल होता है वो प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, जो कि एक हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई गई मान्यता है और पूर्वजों द्वारा चलाई गई एक रीति है जिसको हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने मेरे YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन, अगर आपने मेरे YouTube चैनल के बारे में अगर पढ़ा होगा डिस्क्रिप्शन, तो उस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिखा था कि मेरी जो मुख्य वीडियो होंगी वो वीडियो होंगी मेरे पहाड़ से रिलेटेड, मेरे पहाड़ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यताएं और यहाँ के जो चले आ रहे रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करूँगा। और आज मेरा ये लगभग पहले ही वीडियो है तो थोड़ा बहुत मुझे बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, और आज मैं प्रभु के दरबार में आया हूँ और यहाँ से अपने नए करियर की शुरुआत भी करने जा रहा हूँ। और इस तरीके से हम आते पहले भी थे, तो पहले हम वीडियो नहीं बनाया करते थे, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं। और अब हम यहाँ की थोड़ा सा रचना के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो मंदिर है वो सजाया गया है, और यहाँ पर एक जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए एक टीन सेट भी जो है वो बनाया गया है। और यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी मनमोह लेने वाला है। तो आज जो व्यू है, आज का व्यू जो है वो आज तो लगभग यहाँ पर जो बारिश के कारण जो यहाँ पर कोहरा पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि धुंध है। और यहीं पर बगल में एक ये हमारे वन विभाग फॉरेस्ट का जो एक टावर है वो भी मौजूद है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ जो है वो चोरी कर ली गई है लोगों द्वारा। इस तरह के सोच के लोग यहाँ रहते हैं। वो मंदिर के सामने एक टावर बना हुआ था, उसमें से लोगों द्वारा जो है वो सामान चोरी किया गया है। लोगों की मानसिकता आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके के लोग हैं। अब हमें इसके बारे में पता नहीं है, पता नहीं कौन है, वो भुगतेंगे अपने कर्मों को। और यहाँ पर जो ये टिन शेड बनाया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, हम ज़रा उस बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये है और ये एक जंगल के बीचों बीच है, तो यहाँ पर इसकी एक सुविधा और है। यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, बारिश होती है या कोई ऐसा तूफान आता है, तो यहाँ पर प्रभु के चरणों में उनको भी थोड़ा बहुत जगह मिल जाती है। दोस्तों इस वीडियो को मैंने स्टार्ट करा था कुछ अलग मूड से, और आते आते वीडियो कुछ अलग मूड में चले गई। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी को फिर से अन्य वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। भैया देव, जय महादेव, हर हर महादेव, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद।